क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 14 ईयर्स. तो एवरेज एज है हमारे पास 40 स्टूडेंट. 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज हमारे पास है 14 ईयर्स. औसत एज जो है 40 जो छात्र हैं उनकी क्लास में, जो 40 छात्र हैं उनकी एवरेज एज जो है औसत जो है 14 ईयर्स है, 14 है. इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, यदि हम टीचर की एज को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो एवरेज होगा 15 ईयर्स हो जाएगा. तो हमें फाइंड करना है टीचर की एज बतानी है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं. हमें सबसे पहले इसने बोला है द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट. मैंने पहले भी बोला था देखना है कि एवरेज है या सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना. तो एवरेज एज है 40 स्टूडेंट्स की इन ए क्लास 14 ईयर्स. हमें पता है कि सम, हमें यहाँ से सम लेना पड़ेगा. तो सम हम 40 स्टूडेंट्स की कर लेते हैं. कितना हुआ 14 × 40 हमारी एवरेज एज है. 40 हमारे पास 40 इसलिए लिया हमने क्योंकि 40 स्टूडेंट्स की लिया. हमें पता है कि सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, हमने पहले ये पढ़ भी रखा है तो ये हमेशा ध्यान रखना है. तो यहाँ से 14 × 40 हो गया है, 560 आ गया है. हम इनकी इंटू करेंगे 14 × 56, तो 560 आ गया है. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सम हम किसका लेंगे. अब हमें यदि हमें एक टीचर ऐड कर देते हैं, इसने ये बोला यदि हमें एक टीचर ऐड कर देते हैं तो एक टीचर को ऐड किया, पहले 40 है, टीचर ऐड हो गया है तो 40 + 1 हो गया है. 40 + 1 हमें टीचर ऐड किया है तो एवरेज इसका कितना हुआ 15 ईयर्स. तो ये हुआ 15 ईयर्स, 15 × 41. अब हमने 41 इसलिए लिया है क्योंकि हमने एक टीचर को ऐड कर दिया है. ये तो हमारा टीचर हो गया 1, ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए, इनका सम कितना निकला. अब हमें इसे इंटू करनी पड़ेगी. अब हमेशा ध्यान रखिए मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कोशिश ये करते हैं कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजीली बना लें, इजी तरीके से सॉल्व करें क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा. हम इसको क्या करते हैं, हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं 15 × 40 + 1. हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं. अब हमें पता है 15 की 4 से इंटू करेंगे तो 15 × 60 600 हो गया है और 15 × 1 = 15, 615 आ गया. अगर हम इसको इंटू करने बैठते तो काफ़ी लंबा थोड़ा टाइम लग जाता. तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको थोड़ा राउंड फिगर में कर लेते हैं, 40 + 1 कर लेते हैं तो 600 आ गया, 15 × 60 और 15 × 1 = 15, तो 615 आ गया. हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है ये. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि अब हमारे पास सम निकल गया है 40 स्टूडेंट्स का. हमारे पास सम निकल गया 41 स्टूडेंट्स का. हमें पता है फाइंड द एज ऑफ द टीचर, हमें टीचर की एज बतानी है. टीचर की एज हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट और एक टीचर है. अगर मैं 40 स्टूडेंट और एक टीचर में, ये जो मेरा 41 हो गया है, इसमें मैं स्टूडेंट का सम माइनस कर दूंगी तो ऑफकोर्स टीचर का मेरे पास टीचर की एज निकल जाएगी. तो इक्वेशन टू में से माइनस करेंगे इक्वेशन वन. 615 में से हम 560 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 55 केजी आया. 615 में से 560 माइनस करेंगे तो 55 केजी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. हम एक बार और देख लेते हैं इसको. हमारे पास 40 स्टूडेंट थे तो उसमें उनकी एवरेज 14 ईयर्स से रखी है. अगर हम टीचर को ऐड कर लेते हैं तो हमारे जो इंक्लूडेड हमारे पास जो एवरेज एज हो जाएगी, ये जो टीचर को ऐड किया तो 41 पीपल हैं जिनका एवरेज एज है 15 ईयर्स. हमें टीचर की एज बतानी है. हमें पता है कि एवरेज हम निकाल सकते हैं, एवरेज से हम सब निकाल सकते हैं. सब निकालने के लिए हमें 40 × 40 किया, 560 आ गया है. सब निकाला किसका, आप सब निकाला स्टूडेंट और टीचर 41 का, तो हमारे पास 615 आ गया है. अब हमें टीचर की एज बतानी है. टीचर की एज के लिए हमें, हमारे पास अगर सम 40 स्टूडेंट का सम है, हम इसमें से माइनस कर देंगे 41 में से, हम 40 माइनस कर देंगे 41 का, तो हमारे पास इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास टीचर की एज निकल जाएगी. तो टीचर का जो 45 ईयर्स, तो हमारे पास टीचर की एज जो है 55 ईयर्स है. तो 55 ईयर्स है, बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
वाला क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 12 ईयर्स. 35 जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 12 ईयर्स है. इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, हम टीचर की एज जो है इंक्लूड कर रहे हैं. द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय एक सही 1/2 ईयर्स. अगर टीचर की एज को हम इंक्लूड कर देते हैं तो उनकी एवरेज एज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. ये चीज ध्यान देना है. यहाँ उसने ये नहीं बोला है कि इतनी ईयर्स होगी, यहाँ इसने बोला है इंक्रीज्ड, हम इंक्रीज कर रहे हैं. फाइंड द एज ऑफ द टीचर, हमें टीचर की एज जो है बतानी है. चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है. अब हमें पता है कि हमारे पास एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स की है 12 ईयर्स. यहाँ से हम सम निकालेंगे, सम हमें पता है, और यहाँ से सम हम कितना निकालेंगे 35 स्टूडेंट्स का. अब 35 स्टूडेंट का सम कितना हुआ, 12 × 35. इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. 10 + 2 करके 35, 350 और 70, 420. तो इसका हमारा आया 420. तो यहाँ से हम कोशिश ये करेंगे कि अपने जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी रखेंगे. तो इसीलिए हम इसको 10, 12 को 10 + 2 करके लिख सकते हैं. फिर 35 की इससे इंटू करी 350 आ गया, इसकी इससे इंटू करी 70 आ गया, तो 420 आ गया. अगर किसी को डायरेक्ट भी कैलकुलेशन करनी है तो वो डायरेक्ट इंटू करके भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, 35 × इस तरह से करके भी कर सकता है. मैं कोशिश ये करती हूँ कि इजी तरीके से कैलकुलेशन करूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन कर लेती हूँ. आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो. अब हमारे पास सम है 35 स्टूडेंट्स का, सम हमारे पास आ गया 420. अब हमें क्या करना है, अब हमें सम किसका चाहिए, अब हमें सम चाहिए. टीचर ऐड हो गया तो 36 यानी कि 35 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, टोटल कितने हुए हैं 36 हो गए. अब एक चीज इसमें ध्यान देने की है, टीचर की एज तो इंक्लूड की है तो इसका एवरेज एज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. पहले 12 इयर्स था, 12 में एक सही 1/2 जो है इंक्रीज हो रहा है. तो हम इसको कैसे करेंगे, अब एक सही 1/2 को पहले हम सॉल्व करेंगे. कई लोग इसको 1.5 साल मान लेंगे एक सही 1/2 करके, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सही 1/2 को हमें पता है कि इससे इसकी इंटू होती है 2 × 2 और ऊपर वाला जुड़ जाता है 3/2 हो गया. इसको पॉइंट में बना लेंगे. अब मैं क्या करूंगी, 3 से 2 की डिवाइड किया, 2 × 2 पॉइंट लगा के 0, 2 × 10. तो जहां 1.5 है, एक सही 1/2 है, वहां मैं 1.5 ईयर्स लिखूंगी. अब 1.5 ईयर्स जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने, 12 साल में, क्योंकि उसने ये चीज थोड़ा पढ़ी है, ये चीज बोली है कि 35 स्टूडेंट का 12 ईयर्स है. और अगर एज टीचर की एज जो है इंक्रीज, हम टीचर की एज उसमें इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा जो एवरेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 12 में इंक्रीज हो जाएगा. अब वन हम क्या करेंगे, 12 हमारे पास पहले थे, 1.5 हमने ऐड किए, तो ये कितना हुआ 13.5. तो हमें क्या करना है, हमें 13.5 करना है इंटू 36 करेंगे. एक बार और देख लीजिए ये कैसे निकालना है. एक से 1/2 है, इसको 2 × 2 और ऊपर वाला प्लस हो जाता है 3/2. 3/2 को हम 2 से हम 3 के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.5 आएगा. 1.5 जो आया उसमें हम 12 ईयर्स ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीज बोला है. तो इस तरह हमारा 13.5 आया. तो ये ध्यान रखना है 13.5 आया है. अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 486. हमारा इसका आएगा 486. आप इसकी इंटू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कट करके भी, थोड़ा कम यहाँ से इंटू हटा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. तो जैसे आपको ठीक लगे आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं. ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई. अब हमें पता है कि 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसका सम है. फिर हमारे पास 36 हो गए टोटल, उनका हमारे पास सम है. हमें टीचर का निकालना, हमें लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हम टोटल वाले में से अगर स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास टीचर की एज निकल जाएगी. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन 1. तो हमारे पास इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 की 486 है या 420 है, 66 ईयर्स. तो हमारे पास जो आया इसका आंसर 66 ईयर्स है.
तो डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार और देख लेते हैं, 35 स्टूडेंट्स है, 12 × 35 = 420। 35 अब हमारे पास इंक्रीज करें टीचर की, 35 स्टूडेंट और वन टीचर, यानी टोटल जो हो गई है 36 हो गए हैं, तो 13.5 × 36। अभी मैंने लास्ट में बताया था तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे 13.5 निकाला है, क्योंकि इंक्रीज किया है तो ये आ जाएगा 1.5 और 12 में ऐड कर देंगे तो सर 13.5। इक्वेशन हमें पता है टोटल में से हमें स्टूडेंट अगर निकाल लेंगे, स्टूडेंट और टीचर की एज है उसमें से स्टूडेंट की एज निकाल लेंगे तो हम टीचर की एज निकाल सकते हैं अगर हमें स्टूडेंट की एज पता है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो 66 जो है इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स ए बी सी टुगेदर इज 80 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय बी। टोटल मार्क्स जो है किसी स्टूडेंट ने क्या किए, किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स में ए बी सी में साथ में उसके जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसने जो मार्क्स लिए हैं 80 मोर देन, तो जितने बी ने मार्क्स लिए हैं उससे 80 ज्यादा हैं, तो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए और सी टुगेदर। ए और सी ने साथ, ए और सी के जो साथ में मार्क्स हैं वो हमें बताने हैं। ए और सी के एवरेज मार्क्स हमें बताने हैं, ए और सी साथ में अगर एवरेज मार्क्स हमारे होंगे कितने हैं। एक बार और देखते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए सब्जेक्ट ए स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास ए बी सी, साथ में जो मार्क्स हैं वो बी जितने मार्क्स हैं उससे 80 ज्यादा हैं। अब हम जैसे जैसे हमें बोला गया है वैसे वैसे हम देखेंगे ए के प्लस बी के प्लस सी, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं 80 ज्यादा हैं बी से, बी से 80 ज्यादा है, 80 ज्यादा है, ये चीज इसने बोल रखी है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है किसी स्टूडेंट के ए बी सी, बी से 80 ज्यादा है, तो हमारे पास ए और सी के जो एवरेज मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स बताने ए और सी के। अब हम कैसे करेंगे इसको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी से 80 ज्यादा है, बी से बी कैंसल, या आप इधर से आके माइनस में भी ले सकते हैं इसको, तो ए और सी इक्वल टू 80 हो गया, यहां से ए और सी सब्जेक्ट ए और सी के 80 मार्क्स हो गए। अब हमें ए और सी के मार्क्स तो पता लग गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है एवरेज निकालना है। हमें पता है कि एवरेज हमारा कैसे निकलता है, एवरेज निकालने के लिए कितने हमारे नंबर्स, नंबर का एड, नंबर का योग यानी कि ए प्लस सी डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, ऑफकोर्स 2 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे 80 डिवाइड बाय 2 40, हमारे पास 40 मार्क्स, सी इज द करेक्ट आंसर, 40 मार्क्स हो गए हैं। एक बार और देखते हैं इसको, द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स ए बी सी टुगेदर इन 80 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय बी। जितने ए बी ए किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में ए बी सी में 80 मार्क्स ज्यादा हैं, कितने बी से 80 मार्क्स ज्यादा, ए बी सी के मार्क्स हैं बी से 80 ज्यादा, यहाँ से बी कैंसिल हो गया है, ए और सी इक्वल टू 80, ए और सी सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स हैं 80 आए हैं। हमें एवरेज निकालना है, एवरेज में पता है क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए हमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ संख्या, जितनी हमारी संख्या होती है नंबर होते हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं ए और सी, ए और सी के मार्क्स कितने हैं 80 हैं, डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि 2 ही हमारे पास सब्जेक्ट है, अगर 3 सब्जेक्ट की बात करते तो हम 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं इसलिए 2 लिखा है। अब 80 बाय डिवाइड बाय 2 यहाँ से कट किया तो 40 मार्क्स आ गया, 40 मार्क्स हैं उनके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय 12 स्टूडेंट वॉज कैलकुलेटेड 72, एवरेज मार्क्स जो है 12 स्टूडेंट के कैलकुलेटेड करते हैं 72, बट लेटर बाद में इट वॉज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वॉज रॉन्गली रीड 86 इंस्टेड ऑफ 68। इसमें क्या क्या है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 12 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 72 है, लेकिन क्या होता है इससे पहले क्या हुआ है कि हमने पाया कि स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो 86 की जगह हमने 68 की जगह 86 रीड कर लिया है, यानी कि हमारा जो है मार्क्स होने चाहिए थे 68 लेकिन वो 86 रीड हो गए हैं। अब ये करने के बाद एवरेज जो है 72 आया है, फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब हमें करेक्ट एवरेज पूछा है, ये इसी तरह का क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, सेम ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंस है,
अदरवाइज सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसके आंसर निकलते हैं। थोड़ा सा देखने में टफ लगता है लेकिन बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इसको। अब हमें पता है कि हमारे पास 12 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 72 है। अगर हम सम की बात करें, 12 स्टूडेंट का 72 है, हमें पता है कि सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर होता है, ये हमने पहले से हमें पता है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमें 12 into 72 है, इसको इजी कैलकुलेशन सेम जैसे मैंने पहले बताया था 10+2 करके रख लीजिए और 72 कर लीजिए, तो ये कितना हुआ 720 को इससे आ गया, इससे इसकी इंटू करें, अब इससे इसकी इंटू करें, दो में 4 7 14 ये प्लस हो गया है 4 6 8 864 हो गया। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटू करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 12 into 72 इस तरह से 2 3 4 2 1 2 7 14 हासिल लगाए 7 7 और 1 8। ऐसे करने में ना थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि हमें टाइम को बचाना है, टाइम को सेव करना है पेपर टाइम में, क्योंकि सीसेट के पेपर में टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ना अपनी कैलकुलेशन थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, कोई भी फिगर है तो मैं उसको राउंड फिगर में ले लेती हूँ, 10+2 ले लिया, मुझे पता है 7 72 की 72 की इंटू 10 से करेंगे तो 720 आ जाएगा और इसकी तो बहुत ईजी है करना, फिर यह ऐड करना तो बहुत ही आसान है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देती हूँ और मैं इसीलिए कहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ से हमने इंटू किया तो मेरा 864 आ गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या बोला है ये हमारा सम आ गया है, अगर 86 की जगह वो 68 की जगह 86 उसने गलती से रॉन्गली जो है ये लिखा गया है, उसने क्या पाया कि स्टूडेंट के जो मार्क्स थे रॉन्गली 86 की जगह 68 की जगह 86 हो गए हैं, यानी कि 86 होने चाहिए थे और 68 हो गए हैं, 18 ज्यादा हो गए हैं। अब हमें पता है कि 18 ज्यादा हो गए हैं मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, हम 18 माइनस कर देंगे क्योंकि मेरे 68 काउंट करने चाहिए थे और काउंट कितने हो गए हैं 86 हो चुके हैं, यानी कि 18 मेरे ज्यादा हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे 864 ये मार्क्स है ना मेरे, ये मार्क्स हैं, मार्क्स आए हैं मेरे सम, तो 86 में से 18 माइनस कर देंगे। एक बार और देखिए क्यों किया हमने इसलिए किया है माइनस क्योंकि हमारे 68 होने चाहिए थे और हमने 86 काउंट कर लिए हैं, अब 18 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 648, यानी कि हमारा जो आएगा हमारे जो मार्क्स होंगे 864 होंगे, हमारे मार्क्स कितने होंगे 864 होंगे, ये हमारे मार्क्स आ गए, यानी कि हमारे करेक्ट मार्क्स कितने होने चाहिए थे 864 होने चाहिए थे, जो हमारे कितने आए थे 864 आए थे, क्यों आए थे क्योंकि वो 68 की जगह 86 हो चुका था, इसलिए हमने माइनस किया। अब हमें पता है कि अब हमें एवरेज निकालना है, कितने स्टूडेंट का है 12 स्टूडेंट है, एवरेज के निकालने के लिए हमें पता है सम हमारा टोटल मार्क्स सम कितने हैं 846 है, कितने 12 स्टूडेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें से इसको हम थोड़ा सा इजी तरीके से काटेंगे, 2 6 12 2 4 8 2 2 4 2 3 6 3 2 6 3 1 3 3 4 12 3 1 6 3 1 3 141 डिवाइड बाय 2 2 7 14 0.5, तो इसका आंसर हमारा है 70.5, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार और इसको अच्छे से देखते हैं, 2019 में सेम क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय 12 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड 72। हमारे क्या है कि एवरेज मार्क्स जो है 12 स्टूडेंट के जो है 72 कैलकुलेट किए हैं, लेकिन बाद में कैलकुलेट किया है उसने लिखा है बट लेटर, इट वाज फाउंड उसने क्या पाया, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड, गलत मार्क्स के जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो गलत उसने गलत पढ़ लिए हैं, गलत रीड कर लिए हैं, 86 रीड कर लिए हैं जबकि 68 होने चाहिए थे जो मार्क्स हैं, तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। करेक्ट एवरेज के लिए सबसे पहले हम
सब निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टोटल हमें 72 जो है हमारे फिलहाल थे, तो 72 से हमने 12 इंटू 72 लिया, क्योंकि सम हमारा एवरेज जो है 12 स्टूडेंट का है और 72 आया है, तो 864। अब हमें पता है कि 864 आ चुका है, अब हमें पता है कि 86 होना चाहिए था, 86 थे हमारे और 68 होना चाहिए था। कितने मार्क्स का डिफरेंस है? इसका 18 का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 18 मार्क्स का डिफरेंस है, अब हम इसमें से 18 माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस किया 846 हमारा जो है हमारे करेक्ट मार्क्स है। अब करेक्ट मार्क्स है, यहाँ से हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज इक्वल टू 12 स्टूडेंट का 846 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 स्टूडेंट का, तो इस तरह से हमारा जो है 70.5 आया। अब ये 12 इंटू 74 है, उसको 72 इंटू 12, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी फॉर्मूले के हिसाब से, फिर एवरेज है, एवरेज ये आया है, नंबर है 12 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2019 में सेम क्वेश्चन आ रखा है। चलिए अब सबसे पहले हम 2019 में जो क्वेश्चन आया सेम इसी तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 100 स्टूडेंट के 40। इट वॉज फाउंड लेटर, उन्होंने बाद में क्या पाया, डेट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं 53 थे, विच मिसरीड एज 83। अब मिसरीड कितना कर लिया उसने, 83 मार्क्स मिसरीड कर लिए हैं, यानी कि उन्होंने 83 काउंट किए हैं और कितने होने चाहिए थे, 53 होने चाहिए थे। अब हमें करेक्ट मीन मार्क्स आर, मीन का मतलब एवरेज होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है कि मीन मतलब एवरेज होता है, तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। अभी लास्ट क्वेश्चन किया था सेम यही क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं इसको। अब हमें पता है एवरेज मार्क्स जो है 100 स्टूडेंट के वो 40 है, हमें एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ से सम निकाल लेंगे, क्योंकि हम सम इसलिए निकालेंगे क्योंकि सम का मतलब हमें मार्क्स हैं, तो हम मार्क्स निकाल लेंगे। मार्क्स में हमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, 30 का डिफरेंस हो रहा है, 30 मार्क्स माइनस कर देंगे, उसमें से जो भी हमारे मार्क्स आएंगे उसका एवरेज हम निकाल लेंगे, तो हमें इसलिए एवरेज से हमें सम निकालने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, सम यानी कि मार्क्स, कितने मार्क्स हुए 100 स्टूडेंट के, मार्क्स है हमारे 100 स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं अभी फिलहाल, कितने हैं 40 है। हमें पता है कि सम निकालने के लिए हम एवरेज इनटू नंबर लेते हैं, एवरेज हमारे पास है 40, कितने स्टूडेंट हैं 100, ये हमारा है 4000 इक्वेशन पर 4000 मार्क्स आए हमारे। अब क्या है, एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो गलती से कितने रीड कर लिए हैं, 83 कर लिए हैं और कितने होने चाहिए थे 53, यानी कि 83 हमने रीड किए हैं, 53 होने चाहिए थे, कितने का डिफरेंस हो गया है 30 का। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये तो हमने ज्यादा रीड करे थे और कम होने थे, अगर मेरा होता कि 53 रीड किए होते और 83 होता तो प्लस होता, ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर 53 रीड करता हो और 83 होने थे तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 83 उसके थे मार्क्स, 83 नंबर थे और 53 नंबर थे और 83 उसके रीड कर लिए, मिस रीड करे, यानी कि गलत, हमने गलत नंबर ले लिए, तब हम क्या करेंगे, 30 का डिफरेंस हो रहा है, हम 30 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हुआ 3970। इतना हमें पता लग गया है कि ये मार्क्स, ये हमारे करेक्ट मार्क्स है, करेक्ट मार्क्स है, कितने के हैं, 100 स्टूडेंट के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अब क्या करेंगे, हमारे करेक्ट मार्क्स निकल गए हैं, अब हमें करेक्ट एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम सिंपल है, एवरेज निकालने के करेक्ट मार्क्स कितने हैं 3970, कितने स्टूडेंट का एवरेज है, एवरेज तो 100 स्टूडेंट का ही रहेगा क्योंकि हमारे तो मार्क्स हमने सही किए हैं, हमें मार्क्स सही किए तो एवरेज तो 100 स्टूडेंट का रहेगा, इसलिए 100, ये कितना हुआ 39.7, हमने 0.7 इससे लगाया क्योंकि एक जीरो है, एक जीरो है तो यहाँ से एक में, तो 39.7 जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार और देख लेते हैं हम लोग,
द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट के 40 हैं, लेकिन क्या है कि हमने ये पाया है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है गलती से रीड हो चुके हैं 83, जबकि उसके 53 होने चाहिए थे। अब हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। करेक्ट एवरेज निकालने के लिए हमारे पास करेक्ट मार्क्स भी होने चाहिए। करेक्ट मार्क्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम लेंगे, यानी कि करेक्ट मार्क्स निकाले हम 40 × 100 हमारे 4000 आ गया है। 30 माइनस कर देंगे क्योंकि 30 हमने ज़्यादा रीड कर लिए है। अब 30 ज़्यादा रीड करें तो करेक्ट मार्क्स कितने हुए, 3970, 30 माइनस करके। अब एवरेज निकालना है 3970 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 इसलिए लिया क्योंकि 100 स्टूडेंट का है, तो 39.7 जो इसका आंसर है। ये एवरेज के क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, देखने में थोड़ा सा लगता है कि टफ है लेकिन बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।